सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेकटॉक्स के फ्रेश एपिसोड में और लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं पहले कल के पोल की। तो भैया OnePlus को मिले हैं 74% वोट्स, Asus Zenfone 5Z को दोस्तों मिले यहाँ पे बाकी वाले वोट्स। तो ऐसे में आज का सवाल मेरे लिए आपका बड़ा ही आसान है, वो ये है कि भाई फोन अभी लॉन्च हो गया है Zenfone 5Z ऑफिशियली, जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 29,999 रुपीज। तो आपको क्या इस प्राइस में ये फोन सही लगता है दोस्तों, जहाँ पे एकदम फ्लैगशिप ग्रेड स्पेसिफिकेशन है, काफी इंटरेस्टिंग डिजाइन है। तो भैया क्या ये फोन आपको लगता है कि इसकी प्राइस बिल्कुल सही रखी है Asus ने, और क्या ये OnePlus 6 को टक्कर दे पाएगा या नहीं, बताइए आपका क्या रहता है दोस्तों ओपिनियन ऊपर दिए गए पोल में, कीजिए जवाब हाँ या ना के फॉर्म में। और ऐसे में आज वीडियो जो है वो मेरे ख्याल से काफी सही टाइम पे आ रहा है इंडिया के हिसाब से, थोड़ा सा टाइम से पहले ही आ रहा है। इसी बात पे थोड़ा प्यार दिखाओ, लाइक वाले बटन को थोड़ा सा दबा ही दो। दूसरे पहला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे गूगल की तरफ से। भैया गूगल ने पेटेंट की है एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी जहां पर दोस्तों ऐसा तरीका है कि भैया वो मैच कर सकता है चेहरों को आवाज के साथ में। मतलब हम बात करते हैं सिंपल फेशियल रिकॉग्निशन की, यहाँ पर दोस्तों गूगल फेस और आवाज दोनों को एक साथ में पकड़ सकता है। मतलब दोस्तों कहने का ये है कि फॉर एग्जांपल भैया एक सीन कहीं पे ऐसा है जहां पे 3-4 लोग हैं और वो दोस्तों आपस में बात कर रहे हैं, तो गूगल इस बात को ऑटोमेटिकली पकड़ सकता है कि भैया यहाँ पे कौन सी आवाज किसकी है। तो ये जो है भैया काफी नई कमाल टेक्नोलॉजी है, और इसके बाद में शायद यूट्यूब में जो कैप्शन वगैरह हैं वो काफी अच्छे से ऑटोमेटिक तरीके से गूगल बाद में शायद ऐड कर पाएगा। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है इंडिया में UPI पेमेंट्स को लेके, और यहां पर दोस्तों NPCI ये बोलता है कि जो भैया ट्रांजैक्शंस हैं वो बढ़ गए जून के महीने में 30% मई के कंपैरिजन में, जहां पर दोस्तों 246 मिलियन से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन हुए UPI के थ्रू। तो यार ये एक बहुत ही अच्छी बात है, इंडिया में आज की डेट में डिजिटल पेमेंट्स जो है वो इतने सारे हो गए हैं, इतनी आसानी होती है दोस्तों डिजिटली पैसा पे करने में। कहीं पर भी आप अगर बात करते हैं, चाहे वो दोस्तों कार्ड पेमेंट्स हो, चाहे वो ऐसे पेटीएम हो, चाहे वो UPI वगैरह हो। तो क्या आप यूज करते हो भीम, UPI, पेटीएम वगैरह ऐसे कोई ऐप, मुझे बताना जरूर नीचे कॉमेंट में। तो अगला अपडेट निकलता है वो है यहां पे OnePlus 6 को लेके, और भैया OnePlus 6 के रेड कलर की तो वीडियो मैंने कल लगा ही दी थी दोस्तों, जहां पे था साथ में छोटा सा गिव अवे आप सभी के लिए। लेकिन यहां पर दोस्तों OnePlus इस कलर के अलावा और बहुत 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 सारे कलर्स को टेस्ट कर रहा था, जहां पर दोस्तों कुछ फोटोज निकल के आई हैं ऐसे अलग अलग डिफरेंट कलर्स की। भैया बहुत सारे तरह तरह के शेड्स हैं, पता नहीं ऐसे में हर एक का नाम क्या होता। शुक्र है कि OnePlus ने इतनों में से सिर्फ एक को ही चूज किया जो था OnePlus 6 रेड कलर में, भी दोस्तों दिखने में काफी कमाल लगता है। लेकिन आप सिर्फ इतना बताओ नीचे कमेंट्स में कि यार क्या आपको स्टैंडर्ड वो जो होता है ब्लैक या फिर व्हाइट या सिल्वर वगैरह वैसे फोन्स पसंद है, या फिर आपको आपके फोन में भी कुछ कूल डिफरेंट फंकी कलर्स हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरा अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे ओप्पो की तरफ से, और ये है भैया एक नया पेटेंट जहां पर दोस्तों आपसे बात करता हूँ एक फोल्डिंग स्मार्टफोन की। और यहाँ पर दोस्तों एक ऐसा फोन जिसके अंदर एयरबैग्स भी हैं, फोन में एयरबैग्स, यार मतलब फोन गिरे तो क्या फोन बच जाए। यहां पर दोस्तों इसके अलावा ट्रिपल स्क्रीन वाला फोल्डिंग फोन, उसके अलावा एक स्टैंडर्ड फोल्डिंग फोन। तो भैया ओप्पो कर रहा है प्लानिंग, क्या पता अगले साल तक ये भी लेके आ जाएगा फोल्डिंग स्मार्टफोन। सैमसंग का नाम तो है ही लिस्ट में दोस्तों, यहाँ पे वावे वगैरह भी आ जाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट भी प्लानिंग कर रहा है, देखो सबसे पहले फोल्डिंग स्मार्टफोन कौन लेके आता है। दूसरा अगला अपडेट निकलता है वो है यहाँ पे वही Zenfone 5Z के इंडिया लॉन्च को लेके। मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, साथ में दोस्तों हैं आपके लिए 5 फोन्स का छोटा सा एक गिव अवे मेरी तरफ से। और यहाँ पर दोस्तों अभी फोन की जो प्राइस है वो हो गई ऑफिशियली अनवील, जहाँ पे स्टार्टिंग वेरियंट है 6GB रैम 64GB स्टोरेज का, उसकी प्राइस है 29,999। उसके बाद दोस्तों आता है 6GB रैम 128GB स्टोरेज, उसकी प्राइस है 32,999। और फिर आता है 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ में, उसकी प्राइस है यहाँ पे 36,999। तो यार OnePlus के कंपैरिजन में काफी आगे निकल गया है यहाँ पे Zenfone 5Z। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि भी क्या रहता है रिस्पॉन्स इस फोन को लेके इंडियन मार्केट में। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है भैया यहाँ पे एक ऐसे कैमरा को लेके, दोस्तों AI की मदद से चीजों का जो है वो कार्टून से बनाया जाता है। हालांकि ये बिल्कुल एकदम दोस्तों रॉ रफ कार्टून है, यहाँ पे बस ये वही चीजें ड्रॉ करता है जो इसको दिखती है मेन मेन तरीके से। और यहाँ पर दोस्तों बैकएंड में थोड़ा सा गूगल का सपोर्ट है, लेकिन मतलब अब ऐसे कार्टून तो बनाएगा तो मतलब यहाँ पे दूर दूर तक
दोस्तों का मैच नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों देखो जो AI है वो यार क्या क्या धीरे धीरे चीजें सीख रही है, और ये काफी अच्छा भी लगता है, लेकिन डर तब लगता है कि भैया कल को ऐसा ना हो कि AI हमसे ही आगे निकल जाए। तो भैया उतना ना हो, लिमिट में रहे तो काफी सही रहेगा। दोस्तों अगला अपडेट निकलता है वो है यहाँ पे होंडा के रोबोट को लेके, और यहाँ पे दोस्तों ये जो रोबोट है अजीमो, इसमें होंडा अभी इसको और चीजें सिखा रहा है, जहां भैया दौड़ना, भागना, संभलना, ठहरना, बैलेंस करना, पता नहीं क्या क्या तरह तरह की चीजें। तो आगे चल के समझ लो ना बस, मतलब कोई तो टाइम आएगा कि आपको बाजार में हमारे चारों तरफ जो है वो रोबोट्स भी टहलते घूमते हुए दिखाई दे देंगे। तो यहाँ पे देखो भैया होंडा का जो रोबोट है वो क्या स्किल्स किस तरीके से सीख पाता है। तो अगला अपडेट निकलता है वो है यहाँ पे नासा की तरफ से, और यहाँ पे दोस्तों नासा जो है वो भी बहुत जल्दी टेस्टिंग शुरू करने वाला है साइलेंट सुपरसोनिक प्लेन्स की, जहां पे दोस्तों शोर जो है वो एक तरीके से नहीं होगा या फिर बेसिकली बहुत ही कम होगा। और यहाँ पे दोस्तों US में टेक्सस में होने वाली है इनकी टेस्टिंग, जहां पे प्लेन्स की स्पीड जो है वो दोस्तों साउंड की स्पीड से भी ज्यादा है, लेकिन आवाज बस सन्नाटा से दोस्तों रहेगा, यहाँ पे बहुत ही कम आवाज आएगी। तो देखते हैं कि नासा की ये टेक्नोलॉजी जो है वो कमर्शियल जो होते हैं एयरक्राफ्ट उनमें कब तक आ पाती है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे गूगल डुओ को लेकर, जहां पे दोस्तों इसमें आ गया है मल्टी डिवाइस सपोर्ट, यानी कि आप एक साथ कर पाएंगे लॉग इन अलग अलग डिवाइसेस से, और बाद में दोस्तों एंजॉय कर पाएंगे इसी गूगल डुओ की वीडियो कॉल्स वगैरह को। हालांकि मैंने इसको यूज किया नहीं है, लेकिन बोलते हैं कि ये सबसे अच्छी वीडियो कॉलिंग सर्विस है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। दोस्तों अगला अपडेट निकलता है वो यहाँ पे Xiaomi के Mi Mix 3 को लेकर, और यहाँ भैया एक आ गया है टीजर, जहां पे तो यार देख के क्लियर हो ही गया है कि फोन में जो कैमरा होगा वो होगा स्लाइड करके बाहर निकलने वाला। तो देखते हैं कि भैया ये फोन अभी कब लॉन्च होता है, किस प्राइस पे आता है, क्या होती है स्पेसिफिकेशंस, लेकिन ये देख के मजा नहीं आया ना। मतलब वीवो ने कुछ काम किया अपनी खुद की सोच से किया है, जैसा भी किया, लेकिन Xiaomi अगर वही चीज को अपने फोन में रेप्लीकेट करता है मुझे मजा नहीं आया। आप इसके बारे में क्या सोचते हो बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। तो सर अगला अपडेट निकलता है वो है यहाँ पे सोनी की तरफ से, और यार सोनी पिक्चर्स ने एक गलती कर दी, मतलब यूट्यूब पे एक मूवी का ट्रेलर अपलोड करना था, उसकी बजाय पूरी की पूरी मूवी अपलोड कर दी यूट्यूब पे गलती से, और उसके बाद दोस्तों 8 घंटे के बाद में वो मूवी हटाई गई। मतलब जिसने अपलोड किया होगा उसने गलत फाइल को चूज कर दबा दिया उसने पब्लिश के बटन को। तो यहाँ पे मतलब ऐसी गलती दोस्तों हो जाती है बड़े बड़े ब्रांड से भी, जहाँ पे गलती से दूसरी फाइल अपलोड, मूवी पूरी की पूरी यूट्यूब पे, और सबने देख ली दोस्तों मुफ्त में। और बस अब एक बार कोई चीज अगर यूट्यूब पे आ गई तो फिर तो यार इंटरनेट पे सब जगह फैली जाती है। दोस्तों अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहाँ पे ओप्पो के फाइंड एक्स को लेके, और यहाँ पे दोस्तों एक टीयर डाउन जो है इसका, उसके बाद में मालूम ही चलता है कि इसका जो स्लाइडर मैकेनिज्म है वो कैसे काम करता है, जहाँ पे दोस्तों बहुत सारे तरह तरह के कॉम्पोनेंट्स लगे हैं और वो फोन के पूरे टॉप पोर्शन को ऊपर स्लाइड आउट करवाते हैं, जहाँ पे आपको फ्रंट रियर कैमराज मिलते हैं, तरह तरह के सेंसर वगैरह भी मिलते हैं। तो ऐसे में अभी फोन तो खैर इंडिया में आने वाला है ही, देखते हैं कि इंडिया में इसकी प्राइस क्या होती है, और मैं कोशिश करूंगा इसका शायद एक वीडियो बना के एटलीस्ट चेक करने का, क्योंकि जो डिवाइस है वो काफी फ्यूचरिस्टिक सा लगता है। तो ये है दोस्तों ओप्पो का फाइंड एक्स, अभी देखो वो एयरबैग वाला फोन मार्केट में कब तक आता है। सेल्फी करना छोड़ देना अगर, तो ये कंपनीज इस साल देखने में ऐसा लगता है दोस्तों टेक्निकली मुझे वैसे कि वीवो और ओप्पो ने कुछ अच्छा काम किया है। मतलब आप जो है वो पहले के टाइम पे बेकार घटिया प्रोसेसर्स मीडियाटेक वाले जो थे पुराने वाले मिडरेंज वाले, सिर्फ सेल्फी कैमरा डाल के अगर कुछ कर दिया तो क्या मजा आया, लेकिन अगर ऐसे कुछ इनोवेशन होती है तो देख के यार जेन्युइनली खुशी भी होती है। तो अगला अपडेट निकल के आता है वो है यहां पे WhatsApp की तरफ से, और यहां पे दोस्तों बेसिकली हुआ ऐसा है कि यार इंडियन IT मिनिस्ट्री ने WhatsApp को बोला है कि यार तुम काबू करो जितने भी होते हैं ये फॉल्स मैसेजेस इनका फैलना, बिकॉज अभी दोस्तों आपको मैंने बताया था कल ही कि यार फॉल्स मैसेजेस की वजह से जो है वो कुछ लोगों की जान भी गई है। तो अभी WhatsApp को कंट्रोल करना चाहिए, हम तो खैर अपने आप को कंट्रोल करेंगे ही, लेकिन अगर WhatsApp कुछ एक्शन ले ले तो दोस्तों वो ज्यादा बढ़िया होगा। ऐसे में इंडियन IT मिनिस्ट्री दोस्तों ने बोल ही दिया है कि WhatsApp को भैया तुम करो काबू, ये जो टेढ़ी-मेढ़ी फेक न्यूज़ हैं इनका फैलना WhatsApp पे। तो देखते हैं दोस्तों यहां पे हमको क्लीन WhatsApp कब तक देखने को मिलता है। तो बस दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।